अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम। एक सवाल बड़ा ही आम है कि स्पेन दे विच मकान लैण दा की प्रोसीजर है, और जिहड़े लोग कतालूनिया च रह रहे ने वो इस चीज़ नूं बड़ा चंगी तरह जी समझते हैं कि इस टाइम बार्सिलोना और इसके मलिका शहरों विच मकान लैना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ठीक है जी ना, लक एक साइड ते वे या किसी का कोई जुगाड़ लग गया है या किसी के कोई तलक काम आ गए ने, तो वह फिर एक्सैप्शन हर जगह पर होंगी है, लेकिन है वे कि ओवरऑल बहुत मुश्किल हो गया मकान किराए पर लेना, क्योंकि एजेंसीज की डिमांड इतनी बढ़ गई है और फिर पाकिस्तानी लोगों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हालांकि बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तानियों का इस मुल्क के विच है, लेकिन मकान किराया देन के लिहाज नाल लोगों को प्रेफर नहीं किया जाता है। सब तो पहले तो कोशिश करेंगे कुछ स्पेनिश ले ले, हालांकि साढ़े तो भैड़े निकलते रहे हैं, या फिर लैटिन अमेरिका तो जो लोग आते हैं उन्होंने अपना बड़ा समझते हैं, उन्होंने कोशिश करते हैं देन की है, और उस तो बाद अगर पाकिस्तानी प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद अगर तुसी ते किसी को काम करते पे हो तो फिर थोड़े को ज़्यादा चांसेस होंगे ने मकान लैन दे, और अगर तुसी अपना बिजनेस को कर रहे हो तो उसके वास्ते फिर बड़े ही डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं कि ए चीज़ा जड़ियाँ ने ये लैके, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह मनु भी कई सवाल आते हैं, बंदे पूछते हैं कि इस एजेंसी तो अलावा भी इसका कोई हल है वे किरे जाके लभ सकता है। देखो अगर बार्सिलोना या दे मुल्का शहरों की गल की जाए तकरीबन नामुमकिन जी गल एजेंसी तो बगैर मकान लेना, अगर साइड एरिया चले जाओ तो उत्थे भी एजेंसी ही चलदियां ने, लेकिन छोटिया पिंडां च लोगों ने अपनियां खिड़कियां दे बाहर पार्टिकुलर इसने लाए होंदे ने फोन नंबर ला के है कि असीं मकान किराए ते लेना, लेकिन हुण असल च बंदे जिहड़े ने डर बहुत गए ने है गैर मुल्कियां तो ना, तो समझते हैं कि बेहतर है कि एजेंसी ही किराए पर दे। ठीक है जी, एजेंसी एक किराया या 10% लेंदी है, लेकिन है वे कि वो उस तो बाद जिम्मेदार होगी, कल को कोई भी इशू बनेगा तो एजेंसी उसनों हल करेगी, बंदा किराया नहीं देता या कोई भी इशू बन जाता तो एजेंसी के एक्सपर्ट होंगे ने, वकील वकला एक्सपर्ट होंगे ने उस चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। इस गल बंद इतने लोकल का एजेंसी का ज़्यादा एतबार है, और एजेंसी दी ही वजह तो मकान बहुत मुश्किल हो गए ने लभने हैं, और एजेंसी दी ही वजह तो किराए भी महंगे हो गए ने लभते नहीं है हूँ, जेड़े एरिया अगे 500-600 650 तो ईजीली मकान लभ जाता है, इस टाइम हालात है हुए हैं कि तकरीबन 900-1000 से भी बड़े ही मुश्किल औखिया होके वो भी साइड एरिया के तुम होस्पिटल बदल उन्ना चले जाओ तो मिलता है, और बहुत ही जोर लाना पै रहा अजकल है, और डॉक्यूमेंटेशन इतने मंग रहे हैं कि बंदियां ने फैमिली जिन्होंने पिछों मंगाया ने है उन्होंने वास्ते भी सरदे दर्द सर बने हुए हैं कि किस तरह मकान लिते जाने हैं। हूँ आंसर है ये कि कोशिश करो कि अगर मियाँ बीबी ने तो मियाँ बीबी दोवों दोवों के नाँ के कंट्रैक्ट हो जाए, दोवों नॉमिना लग जाए, लेकिन यह भी साढ़े वास्ते बड़ा सरदे दर्द सर होंगे कि दो नॉमिना कितों लैके आई है, लेकिन बहुत टफ है जी, एजेंसी तो अलावा कोई राह नहीं है मकान लैन का, और यही लास्ट ऑप्शन, या कोई पाकिस्तानी का अपना मकान हो और वो तो दे सके किराए तो वक्री गल। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।